तो दोस्तों दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत ही अच्छी खबर सामने आई है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम कर रही NHSRCL द्वारा तैयार की गई DPR में दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के रिलेटेड कई बात सामने आई है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही सारी बातें विस्तार से बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो ऐसे ही अमेजिंग इन्फ्रा अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों NHSRCL द्वारा तैयार की गई DPR में यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह बताया गया है कि दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर 958 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें लखनऊ को अयोध्या से जोड़ने वाली 123 किलोमीटर की दूरी शामिल है। DPR में आगे बताया गया है कि अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक होता है तो 2029 और 2030 तक दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन ऑपरेशनल हो जाएगी। कॉरिडोर की सुरक्षा आवश्यकता को देखते हुए पूरा कॉरिडोर एलिवेटेड स्ट्रेच और सुरंग का मिश्रण होगा। यह कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे। यह मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज और वाराणसी सहित सभी प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ेगा और साथ ही जेवर हवाई अड्डे पर एक भूमिगत स्टेशन भी होगा। यह परियोजना की अनुमानित लागत 2.28 लाख करोड़ रुपये बताई जा रही है। DPR के मुताबिक बुलेट ट्रेन दिल्ली और आगरा के बीच प्रतिदिन 63 ट्रिप, दिल्ली और लखनऊ के बीच प्रतिदिन 43 ट्रिप और दिल्ली और वाराणसी के बीच रोजाना 18 ट्रिप लगाएगी। अयोध्या के मामले में DPR ने प्रतिदिन 11 ट्रिप का अनुमान लगाया है। फिलहाल ट्रेन से दिल्ली से वाराणसी पहुंचने में करीब 11 से 12 घंटे लगते हैं। वास्तविक दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन इस यात्रा के समय को केवल 3 घंटे में तय करेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए हाई स्पीड रेल कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मौजूदा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करके पूर्वांचल UP की प्रोफाइल बदलने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अमेजिंग इंफ्रा अपडेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।